नमस्कार, आप देख रहे हैं सूबा बोलेगा। मैं हूं आपके साथ उमादित्य द्विवेदी। और आज जो हमारा मुद्दा है सूबा बोलेगा में, वो है रिश्वतखोरी पर, यानी कि रिश्वतखोरों पर लगाव लगा। जी, रिश्वतखोरों पर लगाव लगा। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम पर बैठे नुमाइंदे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिश्वतखोरी से जुड़ी प्रदेश से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। क्या है ये मामला, करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी रिश्वतखोरी पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकी। डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, रिश्वतखोरी का काम बड़े आराम से होता है, वो भी सरकार की नाक के नीचे। काम को और आसान बनाने के नाम पर लोगों से हजारों की वसूली की जाती है, जिसे लेकर जनता भी अब परेशान हो चुकी है। लेकिन वो शिकायत करे भी तो किससे, क्योंकि खुद जिम्मेदारों की मिलीभगत से ये सब देखने को मिलता है। सबसे पहली तस्वीर गाजियाबाद की दिखाते हैं, जहां पर पुलिस रिस्पांस व्हील पर तैनात सिपाही पर आरोप है कि वह एक गाड़ी को छुड़ाने के एवज में 5,000 की रिश्वत मांग रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हमने गाजियाबाद के एपी श्लोक कुमार से बात की। उनका कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है। वीडियो ऐसा संज्ञान में आया है, इस संबंध में जो क्षेत्राधिकारी हैं प्रथम, जिनका क्षेत्र ये पड़ता है, उनको जांच दे दी गई और उनको बताया गया कि त्वरित जांच करते हुए अपनी आख्या दें, उनकी आख्या के आधार पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। दूसरी तस्वीर यूपी के हमीरपुर जिले की है, जहां एक खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने चहेते शिक्षक द्वारा नए अध्यापकों को ज्वाइनिंग के नाम नियुक्ति पत्र देने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। उसमें कार्रवाई की गई, एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें तत्काल जो खंड शिक्षा अधिकारी सरीला थे उनको मुख्यालय से संबद्ध कर लिया गया है, और वहाँ के जो बाबू हैं जो सेवा पंजिकाएं तैयार करते हैं उनका भी विद्यालय इसमें कार्यालय से संबद्ध किया गया। इनके जो जाँच कराई जा रही है, जाँच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तीसरी तस्वीर महोबा, जहाँ विभाग के प्रांतीय खंड के बाबू को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम लखनऊ ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीडब्ल्यूडी के एक बड़े बाबू जी हैं श्री विष्णु सोनी जी, और पीडब्ल्यूडी के ही जेई यूएन त्रिपाठी जी ने इन्हें 25,000 रुपए इस बात का दिया है जो उन्हें एक्सचेंज को देना था। एक्सचेंज ने बाबू के थ्रू ये पैसा लिया और आज रंगे हाथों एंटी करप्शन लखनऊ ने गिरफ्तार किया। चौथी तस्वीर संभल से है, जहां चकबंदी लेखपाल का अवैध वसूली करते वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के नाम पर लाभार्थियों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। निजी दफ्तर में लाभार्थियों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आने पर आरोपी लेखपाल गायब भी फरार हो गया है। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ पता चलता है कि रिश्वतखोरी धीरे धीरे प्रदेश में अपने पैर पसार चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो सूबा बोलेगा में आज का जो मुद्दा है वो है रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने से संबंधित। आखिरकार रिश्वतखोरों पर लगाम कैसे लगेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ आपको बता दें कॉलर जुड़ गए हैं। ये जो प्रोग्राम है ये ऑडियंस के लिए है, कॉलर्स के लिए है, वो अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ गए हैं हरदोई से, सीधा उनसे बात करते हैं। जी संजय गुप्ता जी, अपनी राय रखिए। जी, भ्रष्टाचार कोई भी गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट में भी यही था, वही आज भी है। शायद हमारे उच्च नेताओं को ये जानकारी होती भी है कि नहीं, वो सिर्फ अपनी सरकार की बड़ाइयां करते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ। भ्रष्टाचार आज हर विभाग में चरम सीमा पर है।
ठीक बात है, आपने अपनी राय रखी। इस समय भी भ्रष्टाचार व्याप्त है कई विभागों में, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तो श्रीधर पाठक पूर्व आईपीएस हैं, सीधा लखनऊ स्टूडियो से पूजा शुक्ला है सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम चलेंगे सीधा श्रीधर पाठक जी के पास। जिस तरीके से श्रीधर पाठक जी, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं गाड़ी छोड़ने के एवज में, पुलिस वाले ले रहे हैं पीवीआर यानी कि पुलिस रिस्पांस व्हीकल जो होता है, वो लोग पैसे की वसूली कर रहे हैं अवैध वसूली, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या भ्रष्टाचार अब क्या इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है? हालांकि लगाम लगाने की बात सरकारें करती आ रही हैं। नहीं, सरकारों ने इसके लिए अलग से एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, वो सीआईडी के अंतर्गत है और इसकी 10 अलग अलग यूनिटें हैं। एक डीजी रैंक का पुलिस अफसर उसको सुपरवाइज करता है और गाजियाबाद चूंकि मेरठ के इलाके में आता है वहां पर है, इनको वहां पर शिकायत करनी चाहिए इस बात की। और जो भी शिकायत होती है, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि उस पर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कार्रवाई न की हो। इसने तमाम लोगों को पकड़ा है और तमाम मुकदमे चल रहे हैं, कईयों को सजा मिली है। तो ऐसी हालत में ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगा, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं भ्रष्टाचार है नहीं। इसके अलावा गस्टेड अफसरों के मामले में बाकायदे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस इसका विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसका एक अलग कानून है उसकी। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कॉलेज जुड़ रहे हैं फूलचंद, भोपाल से जुड़ गए जी, अपनी राय रखिए फूलचंद जी। सभी सेक्टर्स को थाने का दर्जा हमारे यहाँ भी है, वो पेंशन डायरी वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ के दलाल लोग। जी फूलचंद जी, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के चलते। चलिए आप फिर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ पूजा शुक्ला जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पूजा शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, क्या समाज में लोग जल्दी काम कराने के एवज में पैसा देना चाहते हैं और समय बचाना चाहते हैं, और लोग जो है यानी जो सरकारी तंत्र के विभाग है उनमें बैठे बाबू, उनमें बैठे लोग उसका पूरा फायदा उठाते हैं और उनसे पैसा लेकर के उनका काम जल्दी करवा देते हैं, लेकिन ये एक भ्रष्टाचार है और ये दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि सरकार इस पर रोकने के लिए कई बार प्रयास कर रही, कई डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उन डिपार्टमेंट्स में बैठने वाले लोगों की मानसिक दशा क्या है, वो किस तरह से सोच रहे हैं। आज भारत के अंदर भ्रष्टाचार को एक आम समस्या बना दिया गया। आप ये देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका चुनावी मुद्दे में सबसे पहला मुद्दा रहता है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, लेकिन आने के बाद चीजें किस तरह से बदलती हैं, उस पूरे भ्रष्टाचार पर जो लगातार चिल्ला चिल्ला करके वोट मांग रहे होते हैं वो सारे लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मौन हो जाते हैं। आप ये देखिए कि पर्चा लीक होने से लेकर के चाहे किसी भी विभाग कर लीजिए, आज वर्तमान समय में सरकारी योजनाएं भी जो जमीन पर जा रही हैं, उन सरकारी योजनाओं पे जमीन पे जाने पर जो गरीब आदमी है जब उसके लिए एप्लीकेंट होता है तो उसको भी बोला जाता है कि अगर आपको इस कॉलोनी में मकान लेना है तो आपको इतना 1,000 रुपए हमें अलग से देना पड़ेगा, आपकी हम प्रायोरिटी में कर देंगे। तो दरअसल भ्रष्टाचार को एक आम जनमानस में ले जाने की ये मुहिम चल रही है और लोग चाहते हैं। मैं बता रही हूँ कि विदेशों में भी जो पढ़ाई हो रही है उसमें भारत को लेकर के ये परसेप्शन लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन भारत के अंदर एक आम बात है। मतलब बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि भारत के अंदर करप्शन एक आम बात है और आम नागरिक से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो करप्शन को भी बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं दोनों ही जिम्मेदार है, घूस लेने वाला और घूस देने वाला। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं मुरादाबाद से, सनी जी। सनी, अपनी राय रखिए। भैया, ये तो सच्चाई है कि रिश्वत आज तक ली जा रही है, जो इसके खिलाफ सारे अधिकारियों से शिकायत भी हो रही है, लेकिन कोई इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, रोकथाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं के न्यूज को और अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे साथ श्रीधर पाठक जी मौजूद है, पूर्व आईपीएस हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। श्रीधर पाठक जी, आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है, आप पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है, क्या लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने विभागीय कर्मचारी और बाबू? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, जब पैसा देने वाले लोग मौजूद हैं तो लेने वाले भी मौजूद हैं। उन्हें तो कोई भी काम करना होता है तो सोचते हैं कि भाई जल्दी से ये काम हो जाए, भले ही हमारा 100 रुपया जल्दी ज्यादा खर्च हो जाए। तो इस तरह के मामले तो बराबर सामने आते ही रहते हैं और कानून भी मानता है, दोनों को बराबर
सजा का हकदार मानता है, वो कानून दोनों को दोषी मानता है, लेकिन खाली कानून बना देने से काम नहीं चलता है। सीआईडी और विजिलेंस की विभिन्न शाखाओं के जांच के उपरांत 650 मामलों में आज के 2 महीना पहले 3 महीना पहले जी स्वयं सरकार के मुखिया ने कहा था कि 650 से अधिक मामले सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित हैं, जिसमें से बहुत सारे मामले 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। तो जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं तो अब उसमें तो होना ही क्या है, अब तो कागज वागज दीमक खा गई होगी। लेकिन जो कम से कम नए हैं उन पर तो अनुमोदन हो ही सकता था, इसी सरकार का हो सकता था। बहरहाल हुआ कि नहीं हुआ ये सब अखबारों में नहीं आया, लेकिन जब मुखिया ये कह रहा है और गृह विभाग के इस तरह की बातें करता है तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी नाजुक है। बिल्कुल स्थिति नाजुक है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार विभागों में व्याप्त है, लोग भी घूस देते हैं। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संजय गुजरात से है। संजय अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए आप। अरे साहब मैं इसी का भी शिकार हो चुका हूँ पहले। जी हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही? हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ना सर, तब तक ये देश में ऐसा ही चलता रहेगा। जी, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा, आपका ये कहना है। ठीक बात है आपकी। हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपनी राय रख रहे हैं, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं के न्यूज पर। लगातार हमारी जो स्क्रीन है उस पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अगर देख रहे हैं आप अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ पूजा शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सीधा उनके पास चलते हैं। पूजा शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, कि लोगों को कहा जाए कि आप ठीक है आप प्रायोरिटी में आने के चक्कर में पैसा दे देते हैं, लेकिन उससे जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके दिमाग खराब होते हैं और वो पैसा लेने के साथ साथ वो हर एक को उसी नजर से देखने लगते हैं, जो पैसा दे सकते हैं और जो नहीं भी दे सकते हैं। ऐसे में ये एक व्यापक रूप लेता जा रहा है, लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाएगा? जी पूजा शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बताइए, आवाज आ रही है। हाँ पूजा शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जा सकता है, कि लोग पैसे देते हैं प्रायोरिटी के चक्कर में कि उनका काम जल्दी हो जाए, लेकिन जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, जो लोग घूस देने की स्थिति में नहीं है, और घूस देना लेना दोनों ही क्राइम के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर जो नहीं दे सकते हैं उनको भी विभागीय कर्मचारी उन्हीं दृष्टि से देखते हैं कि वो भी पैसा दे, क्योंकि पहले जो लोग आए थे काम कराने उन्होंने पैसा दिया है पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो भी पैसा दे, और ऐसे में एक व्यापक रूप लेता जा रहा है, लोगों की मानसिकता कैसे बदली है? देखिए नहीं, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एक भारत में एक बड़ी आबादी है जिसके पास इतना पैसा नहीं है, बहुत चंद लोग हैं, 1 या 2% लोग ऐसे हैं जो बहुत मतलब अमीर हैं, और उसमें भी आप थोड़ा सा हिस्सा देखिए तो वो मिडिल क्लास सेक्शन है जो थोड़ा बहुत प्रायोरिटी के लिए पैसा देता है, लेकिन एक बड़ी गरीब आबादी है जिसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो दे सके। और इसीलिए आप ये देखिए कि जब योजनाएं, सरकारी योजनाओं की मैं खासतौर पर बात कर रही हूँ, कि जब वो जमीन पर आती है तो वो लेने वाले लोग कौन होते हैं, जैसे बहुत सारी कॉलोनियां आती है, बहुत सारे आवास की योजनाएं आती है, लेकिन आप ये देखिए कि उन आवासों में रहने वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं से एक ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा है, जो घूसखोरी कर करके वहां पर जमीनों को ले ले रहा है यहाँ पर, या जो आवासीय योजना आ रही है उसके फ्लैट खरीद ले रहा है, एक बड़ा गरीब का हिस्सा है, वो आज भी गरीब है। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जब इस देश के अंदर पैनामा लीक से लगा करके तमाम बड़े घोटाले हो रहे हैं और बड़े बड़े स्तर पर लोग उसमें मौजूद हैं, तो आप ये देखिए कि समाज में जो लोग इस देश की दशा और दिशा को बदलने का दावा कर रहे हैं, जब वो बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं, तो आप इस देश को क्या मॉडल देंगे? बिल्कुल, पूजा आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, रणवीर है अयोध्या से। जी रणवीर, अपनी बात रखिए। कड़ी है हमारे यहाँ जो मुख्य कड़ी है। हेलो जी रणवीर, अपनी बात रखिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिश्वतखोरी है ये लोअर लेवल पे तो है, लेकिन इनको जो प्रेफर मिलता है वो ऊपर ऑफिसर लेवल पे मिलता है। मेरा अपना अनुभव है, मैं जो है ये विद्युत विभाग में देखा मैंने कि अगर आप शिकायत किसी करते हैं लैंडमैन वगैरह की, तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो भी नहीं सुनता।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पूरा एक चेन सिस्टम बना हुआ है और लगातार सबके बीच में वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक बात है आपकी कि विभागों में इस तरह का एक चेन सिस्टम भी चल रहा है। हमारे साथ श्रीधर पाठक जी हैं, पूर्व आईपीएस, उनसे बात करते हैं इस विषय पर। श्रीधर पाठक जी, एक बात की जाए अगर पुलिस महकमे की, तो ज्यादातर लोग अक्सर आरोप यही लगाते हैं कि पुलिस महकमे में बिना पैसे के पत्ता भी नहीं हिलता। आखिर ऐसी छवि कैसे बन गई पुलिस की कि पुलिस पर लगातार आरोप लगते चले आ रहे हैं और ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं। गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है, वो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया। देखिए, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो हिंदुस्तान के सभी विभागों में सबसे ज्यादा पब्लिक को उपलब्ध रहता है, रात को 12 बजे, दिन में 2 बजे, और इससे आशा बहुत ज्यादा है लोगों को। अब पैसे से पत्ता हिलता है कि नहीं पत्ता हिलता है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ लोग पत्ता ज्यादा हिलाना चाहते हैं और कुछ लोग पत्ते को डाल सहित उखाड़ लेना चाहते हैं, तो इस तरह के लोगों को तो समाज से निकाल देना चाहिए। ठीक बात है आपकी। भाई पत्ता उतना हिलेगा ना जितना उसका हिलने की ड्यूटी है। आप कल्पना करिए, अगर पुलिस के कर्मचारी ये कहें कि हम 8 घंटा काम करेंगे तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार को कितने सिपाही भर्ती करने पड़ेंगे। ठीक बात है। और इसी बीच हमारे साथ झांसी से अनूप तिवारी जुड़ गए हैं सीधा। जी, उनसे बात करते हैं। जी अनूप तिवारी जी, अपनी बात रखिए। श्रीधर पाठक जी, आपको रोकना चाहूंगा, दर्शक जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, दर्शक जुड़ गए, उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। जी अपनी बात रखिए। हेलो सर, मैं अनूप तिवारी बात कर रहा हूँ। अनूप तिवारी जी बताइए। जी मेरे भाई एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे। हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। मेरे भाई एक रेलवे में छोटा सा काम लिया था मेरे भाई ने टेंडर पर, मगर वो करने नहीं दिया गया और उनको इतना कर दिया गया कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ जी, अब हम काम करने की स्थिति में भी नहीं रहे, पूरा पैसा लग गया। जी आपकी स्थिति को समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोग टेंडर डालते हैं और अगर उन्हें सही तरीके से टेंडर मिल जाता और वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने नहीं दिया जाता अगर वो पैसा नहीं दे। ऐसा सरकारी अमलों में अक्सर देखा जाता है। लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, चाहे जीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, हर जगह पुलिस में हो या फिर प्राधिकरण हो और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो, हर विभाग में कहीं ना कहीं आरोप लगते चले आते हैं। लेकिन ये रिश्वतखोरी कब बंद होगी, रिश्वतखोरों पर लगाम कब लगेगी, बड़ा सवाल है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं के न्यूज पर। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर आपके, आप अपना फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, रिश्वतखोरी पर लगाओ लगाम, सूबा बोलेगा मैं, आज हम बात कर रहे हैं रिश्वतखोरी की। आखिरकार क्यों लोग रिश्वत देते हैं और क्यों सरकारी कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते हैं और लोगों का काम करते हैं, आखिर क्या मजबूरी है लोगों की और क्यों कर्मचारियों को वो रिश्वत देते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो रिश्वत देते हैं। लगातार हमारे दर्शक हमको कॉल कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा में शामिल हैं, लगातार उनसे इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारे ऑडियंस हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय फोन के थ्रू हमें दे सकते हैं। लगातार नीचे टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल करिए और अपनी राय रखिए। हमारे साथ पूजा शुक्ला है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सीधा उनके पास चलते हैं। पूजा शुक्ला जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समझ सकती हैं लोगों की नब्ज क्या है। आखिरकार अगर एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना होता है तो वहां पर बिना टेस्टिंग किए ही, माफ कीजिएगा, उसके पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, गोंडा से पिंटू है। जी अपनी बात रखिए पिंटू। अरे गल अस्पतालों में डॉक्टर घूस लेते हैं जी। हाँ, अस्पतालों में डॉक्टर घूस लेते हैं भाई साहब, हर मरीज परेशान है अस्पतालों में, आप ये जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी कि किस तरीके से जो सरकारी अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्स तक घूस लेते हैं, उससे आपको भी परेशानी हुई है, आपके ये अनुभव है और लोग अपनी बातें साझा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ पूजा शुक्ला जी है। पूजा शुक्ला जी, मेरा जो प्रश्न था सीधा सा था कि आखिरकार लोग
क्यों घूस देने के लिए तैयार हो जाते हैं? अगर सरकारी कर्मचारी घूस मांगता है तो उन्हें घूस ना दे, अगर एक बार सारे लोग मना कर देंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी और वो उन्हें काम करना पड़ेगा। देखिए मैं यही बात कह रही हूँ कि अगर कोई चीज कलेक्टिव रूप से होती है तो उसका कलेक्टिव रूप से होने पर क्या होता है कि एक दबाव में बनता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक मरीज है और वो किसी सरकारी अस्पताल में जा रहा है और उसका पेशेंट बुरी तरह से बीमार है और उसके पास इतना समय नहीं है कि वो कहीं और उसको ले जा सके या कोई ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में जो भी सामने वाला दबाव बनाता है, अब जाहिर सी बात है कि उस समय इंसान के लिए पैसा बाद में हो जाता है और वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी समझने की कोशिश करिए कि जब सर्वोच्च पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं अगर उनकी मानसिकता नहीं सही होगी तो आप नीचे के स्तर पे लोगों की मानसिकता को नहीं सही कर सकते हैं। जब वो ये देख रहा है स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर ही अगर भ्रष्टाचारी है तो वहां के जो छात्र होंगे उसके ऊपर क्या एक प्रभाव पड़ेगा, मैं इस बात को यहां से देखती हूं। दूसरी बात अब ये देखिए कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस में जो भी लोग हैं उनको ये लगता है कि सरकार की नौकरी मिलने के बाद ना आप उनको यहाँ से कोई हटा सकता है, ना उनको यहाँ से कोई सस्पेंड कर सकता है, ना ही उनको किसी भी प्रकार का दबाव है। और दबाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक क्रमवार लोगों के हिस्से पैसे सभी संलिप्त हैं उसमें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है पूजा शुक्ला जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि ऊपर से नीचे तक सभी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए वो चीज खुलकर के सामने नहीं आ पाती, लोगों पर दबाव पड़ता है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आगरा से लोकेंद्र है जी। लोकेंद्र अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, मैं आपके न्यूज को आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने इस मुद्दे पे अपने कार्यक्रम रखा। मैं आपको बताना चाहूंगा जब किसी भी कर्मचारी की ट्रांसफर पे पोस्टिंग पे जब विधायक सांसद और मंत्री रिश्वत लेंगे तो क्या हो सकता है बताइए। ये लोग रिश्वत देने के लिए ये सबसे बड़े अड्डे तो यही हैं, और जब ये सत्ता में बैठे हुए कोई कार्रवाई नहीं होती तो छोटे कर्मचारी पे क्या कार्रवाई होगी। आप पता कर लीजिए किसी से भी, जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग किसी अधिकारी डीएम एसपी या किसी की पोस्टिंग होती है तो सब में इन्हीं का हाथ होता है। ये लोग पोस्टिंग का पैसा लेते हैं और वो नीचे पैसा लेते हैं, तो ये सब ऊपर चल रहा है। अब जब बड़ी बड़ी रैलियां बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं सब रिश्वत के पैसे से ही होती हैं, जब उन पर कोई जवाब नहीं होता तो क्या हो सकता है इन चीजों का, पता लगा सकते हैं खुद भी। जब इतनी बड़ी रैलियां में इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, ये पैसा आता कहां से है। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है यहाँ पर, क्योंकि जो विधायक है उनको टिकट भी मिलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी फंड में पैसा जमा कराना होता है, जो सांसद बनते हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है, ऐसी बातें कई बार निकलकर सामने आई हैं। और उसके बाद अगर वो ट्रांसफर और पोस्टिंग करेंगे मंत्री बनने के बाद तो जाहिर तौर पर वो पैसा लेंगे और वही पैसा वो वसूलते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनके अंडर में मातहत काम करते हैं, वो पैसा वसूलते हैं जनता से और जनता पैसा देने को मजबूर हो जाती है। शायद पूरा जो सर्किल है अगर वहां से ही उस जगह से ही उनको सुधारने की कोशिश की जाए शासन स्तर पे ही, तो प्रशासनिक स्तर से लेकर के निचले स्तर तक आते आते इस पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। हमारे साथ श्रीधर पाठक हैं, इससे पहले एक दर्शक ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं बदायूं से विनीत जुड़ गए हैं जी। विनीत अपनी बात रखिए। सर ऐसा है सर, पीलीभीत जिले में जो डीएम साहब हैं अखिलेश मिश्रा जी, वो अगर कोई भी लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो 1.5-2 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, 1.5-2 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं, कहते हैं पहले इतना पैसा दो उसके बाद में आपका लाइसेंस बनेगा। आपने बेहद गंभीर आरोप लगाया है, जो आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, बेहद गंभीर आरोप आपने लगाया है। हालांकि इस तरह की बातें निकलकर सामने आती रहती हैं और ये जो है समाज के लिए, समाज किस ओर जा रहा है, लोग किस ओर जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारियों में बदलाव की स्थिति देखी जा रही, लोग बदलने की ओर है, कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी बाबू भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई विभाग अछूता नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, लेखपाल से जुड़े हो, तहसीलदार हो, अगर बात कर ली जाए हर विभाग की, प्राधिकरण है जितने भी या जितने भी सरकारी अमले हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त आपको नजर आ ही जाएगा। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो सीधा चलेंगे श्रीधर पाठक जी के पास, पूर्व आईपीएस है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार पुलिस महकमे के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला उसे कैसे दूर किया जा सकता है। यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
जी, तो रिश्वतखोरी पर लगाव लगाम, ये लगाम कैसे लगेगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक दर्शक ने हमें कॉल किया है, चेन्नई से हरी जुड़े हुए। जी हरी, अपनी बात रखिए। जी हरी, अपनी बात रख सकते हैं आप। इनसे हमारा संपर्क टूट गया है, हालांकि फिर से हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि उनके अनुभव क्या है इसको लेकर के। उन्नाव से नीरज जुड़ गए हैं सीधा। नीरज, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ सर, आपने जो टॉपिक रखा बहुत ही अच्छा और सराहनीय टॉपिक आपने रखा है, तो मतलब कि हम बहुत ही प्रशंसनीय योग्य है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में रिश्वत चीज बहुत ही खराब चीज है। जैसा कि किसी सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे जैसे मैम ने कहा है कि परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं कि आदमी को उस चीज देने पे मजबूर हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ मतलब कोई भी सरकारी काम होता है उस पर कुछ ना कुछ टैक्स या कुछ ना कुछ घूसखोरी हो जरूर होती है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि इस पे बहुत ज्यादा मतलब नकेल कसी जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ सबक मिले और सीख मिले। आपका शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और जाहिर तौर पर ये जो मुद्दा है ये आम लोगों से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी बात रख रहे हैं। शाहजहांपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश। जी सुरेश, अपनी बात रखिए आप। जी, मेरा नाम देवी कुमार है। माफ कीजिएगा, क्या नाम आपने अपना बताया? सुरेश कुमार, शाहजहांपुर। जी, अपनी बात रखिए। एक घोटाला शाहजहांपुर में मंडी समिति और वाणिज्य विभाग का है, मंडी समिति और वाणिज्य विभाग का, और इसमें कम से कम 1 करोड़ ऊपर का घोटाला हुआ है, और इसमें आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। जिलाधिकारी महोदय को भी मालूम है, सारे अधिकारी को मालूम है। अभी कल पहुंचे रामजी मिश्रा गाजियाबाद SDM साहब, उनकी निगाह में है, उन्होंने पूरी जांच की है, और उसके बावजूद भी आज तक FIR नहीं हो पाई, और ये मामला 14, 15, 16 का है, और किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार मुख्यमंत्री बोर्डी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं। आपने अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया इस के न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। आपके अनुभव जो है वो आपने शेयर किए। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए, सीधा दिल्ली से जुड़े हैं आरके शर्मा जी। जी आरके शर्मा जी, अपनी बात रखिए। एक्चुअली ये करप्शन भ्रष्टाचार जो है, ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तभी से ये शुरू हो गया था, कांग्रेस के टाइम में जब पहली बार जीप डील की गई थी। तो ये तो कांग्रेस के DNA में है भ्रष्टाचार। वो देश के विकास के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ भ्रष्टाचार अपने घर भरने के लिए काम करते हैं, दैट इज द मेन रीजन। अब मोदी के आने के बाद में भ्रष्टाचार देखो कहीं नहीं हो रहा है, मतलब जो मंत्री लोग या प्राइम मिनिस्टर देखो कोई उनके ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकता अब। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अगर ये कंटिन्यू रहता है ट्रेंड, तो ये भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि लोग जो हैं बहुत त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, और भ्रष्टाचार की वजह से ही कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि जो अपना स्टेटमेंट रखा, जो आपने अपनी बात रखी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इर्द गिर्द था, कि जिस तरीके से कांग्रेस पर कई तरीके के आरोप लगे हैं, कई तरीके के UPA 1 या UPA 2 की अगर बात करें तो कई घोटाले सामने आते हैं, आपने उसकी चर्चा की, और साथ में आपने मोदी सरकार की तारीफ भी कर दी। लेकिन भ्रष्टाचार तो है आरके शर्मा जी, आपको मानना पड़ेगा अभी भी भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करने की जरूरत है। हमारे साथ पूजा शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। पूजा शुक्ला जी, हमारे साथ श्रीधर पाठक भी जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS हैं, सीधा उनके पास पहले चलते हैं, फिर पूजा शुक्ला जी के पास चलेंगे। जी श्रीधर पाठक जी, आपको क्या लगता है कि पुलिस महकमे के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है? और अभी एक कॉलर ने बंदूक के लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया, एक कॉलर ने जब अभी कॉल किया था तो उन्होंने बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की डिमांड कर दी। बताइए, अपने आप में एक गंभीर आरोप है, एक जिले के राजा के तौर पे देखा जाए तो जिले का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, DM होता है, और उसके ऊपर इस तरीके का आरोप लगना बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो इसके लिए उनको विजिलेंस डिपार्टमेंट में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये तो बड़ी वैसी बात है, अब पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, हो सकता है इनका लाइसेंस रिजेक्ट हो चुका हो, इस नाते कही जा रही हो, लेकिन अब वो जो बात TV पर कह रहे हैं तो ये मान लिया जाना चाहिए कि वो सही कह रहे हैं।
तो ऐसी हालत में शिकायत करने के अलग अलग फोरम है, चूंकि लोग उन फोरम्स को जानते नहीं है तो शिकायत करते नहीं है, तो जब शिकायत होती नहीं तो जांच पड़ताल भी नहीं होती है, तो मामला इसी तरह का चलता रहता है। ठीक बात है आपकी जी। मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा क्या कुछ होना चाहिए जिससे पुलिस महकमे के अंदर का पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मिट जाए, उन पर आरोप लगना बंद हो जाए। देखिए, आरोप लगना तो कभी बंद हो नहीं सकता जी, भ्रष्टाचार मिट सकता है। इसके लिए अलग से एक भ्रष्टाचार निवारण संगठन है, हालांकि उसके पास यूनिट्स की कमी है और कर्मचारियों की भी कमी है। यह कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, सुपरवाइजरी अफसरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। काम सरकार को करना है। अब सरकार जितना उचित समझती है उतना करती है, क्योंकि इसमें उसको फाइनेंसेज भी देखने हैं, भाई वो इतना रुपया खर्च कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक बात है। तो ये तो भ्रष्टाचार इस विभाग में मिट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और बशर्ते कुछ सुविधाएं उसकी बढ़ा दी जाए। थाने ऐसे भी हों जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाओं के लिए भी शौचालय बने हों, स्नानागार बने हों। मुझे ऐसा कोई थाना अभी तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिया जिसमें दोनों तरह के शौचालय बने हुए हों। तो ऐसी हालत में ये कई चीजें हैं जिनको कि देखा जाना चाहिए, और इसको तो मिटाया ही जा सकता है। आरोप लगने बंद नहीं हो सकते, जिसका काम नहीं होगा। हर हालत में दो पक्ष पुलिस के पास आते हैं, एक पीड़ित होता है और एक के खिलाफ शिकायत रहती है, और दोनों पुलिस से नाराज रहते हैं। जी ठीक बात है आपकी। हमारे साथ पूजा शुक्ला ऐसी, उनके पास चलते हैं। पूजा शुक्ला जी, हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी जो थे हमीरपुर जिले के, उन्होंने अपने चहेतों शिक्षकों की भर्ती के लिए उनके नियुक्ति पत्र देने की बात कर दी और उनसे अवैध वसूली की। साथ ही साथ महोबा से एक तस्वीर आपको दिखाई थी, लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के बाबू को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। तीसरी जो आपको तस्वीर दिखाई थी वो संभल से दिखाई थी, लेखपाल का अवैध वसूली का वहां काम चल रहा था, लेकिन शिकायत के बाद वो फरार है वहां से। इन सभी विभागों में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जुड़े हुए विभाग हैं ये ग्रामीण अंचलों से, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ग्रामीण अंचलों में ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्योंकि वहां पर शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, और लोगों को जैसा चाहे उस ओर मोल्ड कर लिया जाता है, लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ये बात आपकी एकदम सही है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर शिक्षा का अभाव है और साथ ही साथ जागरूकता का एक बड़ा अभाव है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि उसके गांव में कितना स्कूल है या उस स्कूल में कितना टीचर और कितने बच्चे का रेशियो होना चाहिए, जिसको यही नहीं पता, मतलब जिसको अपने सिस्टम की बहुत सारी चीजें नहीं पता है, उसको हम करप्शन टीम, विजिलेंस टीम, इसको समझाने के लिए हमें लगता है कि एक अलग से सरकार को भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सच बात है कि अगर चाहे पुलिस महकमा हो चाहे सरकारी में कई विभाग ऐसे हैं जहां पर बड़ी मात्रा में भर्तियां नहीं हुई, अगर वहां पर भर्तियां हो जाएं तो कुछ कार्यभार कम होगा। दूसरी बात यह कि सुविधाओं के नाम पर भी, जब आप मान लीजिए किसी भी आदमी का एक महीने का खर्चा 30,000 रुपए है और उसको अगर सरकार से 15,000 या 16,000 रुपए मिलेगा, तो वो अपने घर खर्च को चलाने के लिए इस तरह की चीजों में संलिप्त होगा, ये बात है। लेकिन हम इसको ये कह दें कि ये पूर्णता यही सही है, ये भी गलत, ये पूर्णता बात सही नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि ये जो शिक्षा का अभाव है ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन आप ये देखिए ना कि शिक्षित जगहों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। शिक्षित लोग भी पैसा दे रहे हैं और अलॉटमेंट करवा रहे हैं या कहीं पर बेड ले रहे हैं, तो इस तरह का ये जो पूरा भ्रष्टाचार है ये दरअसल ये मनोस्थिति ही ऐसी बना दी जा रही है कि भारत के अंदर शिक्षा जो भ्रष्टाचार है वो एक आम बात है। मैं ये कह रही हूँ इसको तोड़ने की जरूरत है, और इसको आप अगर अब ये सोचिएगा कि अंतिम श्रेणी की इकाई से हम इसको खत्म करना शुरू करेंगे तो यहां पे दिक्कत हो जाएगी। आपको ये चीजें ऊपर से खत्म करनी होंगी। जब तक जिले का, अब मान लीजिए डीएम है, अब डीएम पैसा ले रहे हैं उनसे, उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से बोली, अब मुझे नहीं लगता कि भाई उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा, उनको आपका टीवी चैनल देख करके लगा कि यहाँ पर हम अपनी बात को रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने फोन करके यहाँ पर उस बात को रखा। अगर उनको ये जानकारी होती कि कोई विजिलेंस टीम है या करप्शन टीम है और वहां पर उनको जा करके इस तरह से राहत मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि पहले वो वहां पे जाते। तो ये जो शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, इसको दूर करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार
एक इतनी बड़ी समस्या नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे पूरे देश को खाने की कोशिश कर रहा है जी, और देश में जो गरीब आबादी है वो इसी भ्रष्टाचार के आज आवाज प्लेटफॉर्म को चुना, न्यूज के प्लेटफॉर्म को चुना, और ये बहस हम इसीलिए कर रहे हैं, चर्चा इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि वो जाने, क्योंकि कई तथ्य निकलकर सामने आए और दर्शकों को ये मालूम चला है कि कहां कहां वो शिकायत कर सकते हैं, कई ऐसे सेल्स हैं, ऐसे फोरम्स हैं जहां पे जाकर वो शिकायत कर सकते हैं। श्रीधर पाठक जी ने भी बताया, आपने भी बताया और हम भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए कानपुर से, अशोक है, अपनी बात रखिए अशोक। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं कल्याणपुर में रहता हूँ। ठीक है, कानपुर में कल्याणपुर है मोहल्ला। ठीक है, और वहाँ पे जीटी रोड पे चौड़ा रोड हुआ, सब कुछ हुआ, इसके बाद जीटी रोड से पंकी की तरफ एक सड़क जाती है उस चौराहे पर, कम से कम 8 पुलिस वाले रहते हैं। हाँ। और जाम की स्थिति ये है कि टेम्पो वाले बजाय सीधा करने के टेढ़ा करके खड़ा करते, पहला मुश्किल है। हाँ। और वहाँ से थाना मुश्किल से 500 कदम दूर है। ठीक बात है, और पुलिस की गाड़ी 100 नंबर दिन भर दौड़ती है, पैसा वसूलती है, काम धाम कुछ नहीं होता था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्पो वालों की अराजकता भी देखी जाती है, लगातार अवैध वसूली का ये धंधा, गोरख धंधा लगातार चलता है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के कई ऐसे सिपाही जो वहां नजर आते हैं होमगार्ड्स के, और वो जाकर के टेम्पो वाले से बदस्तूर अवैध वसूली करते हैं, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए की, और वही टेम्पो वाले इस पूरे ट्रैफिक सिस्टम को धड़ाम कर देते हैं, जहां चाहते हैं चौराहे पे वहां पर अपनी टेम्पो को खड़ा कर सकते हैं। शाहजहांपुर से एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनकी राय लेते हैं। विष्णु कुमार जुड़ गए जी, अपनी बात रखिए। आज आज बात दोबारा मिला रहे हैं, हमारे कहने मतलब यह है कि कुछ गाड़ियां होती हैं। हाँ। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उन्हें क्यों रोका जाता है, तो कार्रवाई पूरी जांच होने के बाद क्यों नहीं की जा रही है। समस्या ये है सबसे बड़ी, जहाँ कितनी बार जीत जा रही थी, 10-10, 20-20 बार जा रही थी, लेकिन बिना कई रिश्वत बोल रहे हैं। मंत्री सचिव ने रामलाल ऊर्जा इस पर लिए खुल दी, मंगल सिंह चंदेल साहब ने, और जबकि एसडीएम पंकज मिश्रा मालूम है चोर से पूरा घोटाला किया है, क्या किया गया इसके अंदर, और 14-15 से आज तक कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार निकालने के लिए डीएम साहब को 85 चिट्ठी दी है, परंतु कार्रवाई के नाम से जीरो है। यानी आप कार्रवाई ना होने से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं। श्रीधर पाठक जी, लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन कभी कभी कार्रवाई में देरी से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका काम अटका रहता है, शायद इस वजह से वो रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे देते हैं या रिश्वत दे देते हैं उन कर्मचारियों को जिनसे उनका काम होना होता है। उनको इतना परेशान कर दिया जाता है, इतना लाचार दिखा दिया जाता है। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार वो अपनी राय रख रहे हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, हमें कॉल कीजिए। हरी जो है चेन्नई से एक दर्शक हैं, वो फिर से हमारे साथ जुड़ गए जी। हरी, अपनी बात रखिए। हेलो सर, यही बोल रहा हूँ कि हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप बताइए। एक्चुअली क्या होता है, हम जो मेडिकल जाते हैं ना, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हम जो मेडिकल जाते हैं एक्चुअली मजबूर से क्या करते हैं ना, हम जो बीमारी होता है कि कुछ इमरजेंसी केस होता है तो उसमें डॉक्टर क्या है कि रिश्वत मांगते हैं, क्योंकि आप रिश्वत देंगे तो हम जल्दी आपका काम कर देंगे, नहीं तो आपका काम बहुत लेट होगा, इसलिए हम मजबूर में रिश्वत देना पड़ता है हमको जी। आपको रिश्वत देना पड़ता है जल्दी काम कराने के एवज में। तो कुल मिलाकर के दर्शक, कई दर्शक ऐसे हैं जो जुड़ रहे हैं लगातार, अपनी बात रख रहे हैं, उनके जो कटु अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों से घूस मांगी जाती है। इसी कड़ी में एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हनुमान पांडे हैं गोरखपुर से जी। हनुमान पांडे जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हर जगह पैसा लगना है, अभी खेत में नाम चढ़वाना है तो लेखपाल को पैसा चाहिए। ठीक बात है। और नाम अगर चेंज भी कराना, जैसे मान लीजिए हमारा मदन मोहन नाम शुरू का है और सुधान शेखर नाम चढ़ाना है, तो आप वो कह रहे हैं कि कैसे होगा ये, आप लिखवा के लाइए। हमने कहा प्रधान से लिखवाना है, तो उन्होंने कहा कि प्रधान से क्या, अब आप जैसे चाहिए वैसे इसको बना के लाइए, लेकिन उनको राय नहीं देना है, बस उनको 100 रुपए चाहिए और चढ़ा देंगे, हमसे कोई 100 रुपए दे करके चढ़ा। खारिज के नाम पर भी बड़ा एक गोरख धंधा चलता है, लेखपाल और जो ब्लॉक स्तर पे जो ऑफिसेज है वहाँ पर लोग जाते हैं और
म्यूटेशन फाइल करने के लिए यानी कि अपना नाम चढ़वाना चाहते हैं उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जरा जरा सी जमीन को लेकर के ही लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, लेखपाल पैमाइश कराने के नाम पे पैसा ऐंठ लेते हैं। इसी तरह कई ऐसे चीजें हैं जिसमें जो बाबू हैं उनसे काम कराने के चक्कर में लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। ये एक काला सच है और ये सच ऐसा है जिससे आम आदमी हर रोज होकर गुजरता है। अगर वो सरकारी विभाग के पास जाता है अपने काम कराने के लिए तो उसे पैसे तो देने ही है, लेकिन वो जो बाबू है जब चाहेंगे तब उनका काम करेंगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो सोचिए आपका काम बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रशासनिक अमले हैं यानी कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिनमें लगातार सुधार देखा जा रहा है। लोगों का जो स्तर है वो बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। लोग कई जगह ऐसे हैं जहां पर ऐसी बातें भी निकल कर आई हैं, लोग रिश्वत लेने से मना कर देते हैं या लोग ऐसी डिमांड ही नहीं करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, रिश्वतखोरी लगातार जारी है। तो श्रीधर पाठक जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं सीधा। श्रीधर पाठक जी, बात तो सच है कि सरकारी विभागों में पैसा लिया जाता है, लेखपाल की बात हो या शिक्षा विभाग की बात हो या बात कर ले लोक निर्माण विभाग की बात कर ले, विकास प्राधिकरणों की बात कर ले, नगर निगमों की बात कर ले, कहीं की भी बात कर ले, केसा की बात कर ले, बिल ठीक कराना है तब भी पैसा आप नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर आपको जल्दी कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी जो आपके यहाँ केबल लगाने आएगा उसको भी आपको 100-200 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए कई ऐसे फोरम हैं, आपने भी बताया कई ऐसे फोरम हैं कि आप उसकी शिकायत कीजिए, लेकिन कार्रवाई में देरी होती है। कार्रवाई में देरी हो तब उसका क्या उपचार है? अब 3 महीना पहले अभी जो खबर आई थी सरकार के मुखिया द्वारा उत्तर प्रदेश में, हाँ, कि 650 से अधिक मामले ऐसे हैं, हाँ, जिनमें सरकार की सैंक्शन मांगी गई है, हाँ, कि मुकदमा चलाया जाए अथवा मुकदमा कायम किया जाए। तो अब 3 महीना तो बीत गया, उन्होंने आदेश दिया था कि भाई 2 महीने में ये कार्रवाई समाप्त कर ली जाए, हाँ, आज तक तो कहीं कुछ सुनाई वुनाई नहीं दिया, हाँ, तो चलिए ठीक है, बहुत सारे मामले उसमें 20 साल से ज्यादा के हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि वो सब अभागे लोग रहे होंगे। अब 20 साल के बाद उसमें होना भी क्या है, वो तो दीमक सारा कागज खा गई होगी। अब कागज तो कागज ही होता है, वो कोई लोहे वोहे का तो बनता नहीं है। इस दौरान हो सकता है ऑफिस ही ट्रांसफर हो गया हो। तो जब इस तरह की कार्यप्रणाली है सरकारों की या जो भी इसका कारण हो, तो ऐसी हालत में मतलब उसमें कार्रवाई कैसे होगी? माफिक साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, कैलाश है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है जी, कैलाश अपनी बात रखिए। ये रिश्वत का जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए थे। तो हर विभाग में रिश्वत का जो काम खुला खेल चलता है, यही थानों में भी यही स्थिति बनी हुई है। और रही बात कहने की, जो शिकायत नहीं करते, मैंने DGP, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, गृह महासचिव, वो हर बार शिकायत की। झांसी में कुख्यात अपराधी है कमलेश यादव, हिस्ट्री शीट नंबर 50 है, जिसमें 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीट नंबर 50 के ऊपर। लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और उसे स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। मोटी मोटी जब वो रिश्वत थाना प्रेम नगर के जरिए उच्चाधिकारियों को पहुंचाता है तो कहीं कुछ नहीं होता। श्रीवान जी, थाना मैंने हर जगह शिकायत की, वो खुलेआम फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता है, लग्जरी गाड़ियों में, और ये बढ़िया से बढ़िया आलीशान मकान बनाए बैठा है। लूट, हत्या, डकैती, अपहरण कम से कम 50 से ऊपर मुकदमे हैं आपको कुख्यात अपराधी के ऊपर। लेकिन रही सच्ची बात, तो कहीं कुछ नहीं होता श्रीमान जी ऐसे अपराधियों पर। जी, आपका अनुभव भी बड़ा ही कड़वा है कि आपने भी कई बार शिकायत की और वहाँ पर जिस तरीके का वो एक नामी ग्रामी हिस्ट्री शीटर है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, और क्यों नहीं की जा रही, अपने आप में बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार वो खुलेआम घूमता है लग्जरी गाड़ियों में और वहां पर उसका अच्छा खासा रुतबा दबंगई के बल पर तैयार है, लोग उससे डरते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मामला है। क्यों ना, क्योंकि पुलिस चाहे तो उसे जब चाहे सलाखों के पीछे डाल सकती है, उस पर ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है जो उसने कांड किए हैं। जिस तरीके की बात हमारे जो कैलाश झांसी से दर्शक उन्होंने कहे, हमारे साथ इरशाद अली एक दर्शक और है शाहजहांपुर से। इरशाद अली जी अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, अपनी बात रखिए। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, मैं शाहजहां जी सर, 1.5 महीना हो गया, मेरी बहन भी आई थी सर
जिला सजानपुर कांट पड़ती है जी जी। मेरे बहन के साथ देवर ने दृढ़ कसम, मैंने गलत काम करने के लिए रात में 12 बजे काम किया था। डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीने से 3 बार एसपी के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, खन्ना जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ एप्लीकेशन दी। कल एसओ साहब पास के साथ लड़की के बयान करवाए, एसओ साहब ने कहा जाइए आप कोर्ट में, मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए, जो मैंने लिख दिया है वो जो है वो ही लिखा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता, मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए जाके जाइए। पैसे लेके सर या घूस लेके जो भी है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम कहाँ जाएं। ये अपने आप में बेहद गंभीर बात आपने बताई है, जिस तरीके का ये मामला सामने आया और उसके बाद आप जब इतने बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं, इस तरीके से 2% का जवाब मिल जाता है कि आपको जो कार्रवाई करनी कर लीजिए, आखिर ऐसी हिम्मत आती कहां से उनके पास? क्यों ना कहीं लोग जो प्रशासनिक अमला है उसको कहीं ना कहीं छूट मिलती है, या उनको मालूम है होना कुछ नहीं है, कुर्सी तो उनकी रहेगी, सिर्फ बदली जा सकती है। क्या ऐसे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आएगा? के न्यूज लगातार ऐसे मुद्दों को उठाता रहता है और आम जनता के मुद्दों को उठाता है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आप भी अपने कटु अनुभव के न्यूज के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो भी प्रशासनिक अमला इस वक्त चैनल को देख रहा है वो समझे कि इस जनता को दर्द क्या है, भ्रष्टाचार रूपी जो ये कांटा है कितना चुभता है। इसी पर लगातार चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ यहां वक्त तक ब्रेक का। जी, रिश्वतखोरी पर लगाओ लगाम, आखिर लगाम कैसे लगेगी? आखिर आम जनता की परेशानियां कब दूर होंगी, उनकी दिक्कतें कब दूर होंगी, उनको अपने काम कराने के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं, रिश्वत क्यों देनी पड़ती है, और सरकारी अमले के कर्मचारी बाबू अधिकारी आखिरकार पैसा क्यों उनसे डिमांड करते हैं, उनकी सोच क्यों नहीं बदल रही? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, लगातार हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, अपनी बात वो शेयर कर रहे हैं। आप भी अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, जिससे कि उन लोगों तक ये बात पहुंच सके जिनको इस पर एक्शन लेना होता है। हमारे साथ लगातार दो खास मेहमान हैं, पूजा शुक्ला है हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, सीधा उनके पास चलते हैं। पूजा शुक्ला जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समझ सकती हैं कि रूरल और अर्बन एरिया में काफी डिफरेंस होता है, लेकिन जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है, इस टाइम को बचाने के चक्कर में वो पैसा दे देते हैं। रूरल एरिया के लोगों के पास टाइम तो होता है लेकिन नॉलेज यानी कि जानकारी नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और वो जागरूक नहीं होते हैं कि उनकी शिकायत करनी कहाँ है। अर्बन वाले जानते हैं कहाँ शिकायत करनी, रूरल वाले जानते नहीं कहाँ शिकायत करनी है। तो ऐसे में दोनों ही अंचलों के लोग पैसा देते हैं, घूस देते हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मौज रहती है। आखिर कैसे बदलाव आ सकता है? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि ये जनता ही तय करती है ऐसे लोगों को जो राजनीतिक रूप से आज जहां पर बैठे हैं। एक भ्रष्टाचार वहां से एक बड़ा मुद्दा, मैं बार बार कह रही हूँ कि जब पैनामा लीक्स में जिन लोगों का नाम आता है बड़े स्तर पे, आप छोटे स्तर की करप्शन की बात कर रहे हैं जहां पर 100, 500, 1000 की बात हो रही है, लेकिन बड़े लेवल पर आप ये देखिए कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है लेकिन बड़ा अमाउंट लेकर के विजय माल्या इस देश से बाहर हो जाता है। आप ये देखिए कि मेहुल चौकसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना कारोबार कर सके लेकिन बैंक उसको बड़ी संख्या में लोन दे रही है और वो चले जा रहे हैं बाहर देश से। तो आप ये देखिए कि इतने बड़े पैमाने पर जिस देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार उस पर लगाम कसने की जगह उस पर सफाई दे रही है, तो आप ये बताइए कि आप नीचे के मॉडल को कैसे सुधार सकते हैं। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि नीचे के बाबू अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जब सिस्टम ही भ्रष्टाचारी है तो बाबू अधिकारी उसकी चपेट में आने से कैसे बच जाएंगे। हमने ये देखा जो लगातार मनोबल, जैसे कई आप बाबुओं से भी बात करिए तो वो ये कहते हैं कि देश को लूट करके तो ये लोग खा जा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत मिल जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है। इस तरह की मानसिकता जो लगातार बनाई जा रही है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आप रुपए पैसे के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो नैतिक रूप से भ्रष्टाचार इस समाज के अंदर व्याप्त है, जो नैतिक पता नहीं, जैसे अभी एक कॉलर ने आपको बताया कि सुरेश खन्ना जी के पास वो अपना वो लेकर के गए लेटर और अपनी बहन के लिए वो न्याय मांग रहे लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी अमन मणि त्रिपाठी ने जैसे ही सरकार बनी थी नई, तो उसमें एक बड़ी जमीन की कब्जा
हाँ, उन्होंने जो उन्होंने जनता दरबार में जाकर के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि मेरी जमीन पर इतने बड़े बड़े लोग कब्जा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। वो जनता दरबार में अपना आवेदन लेके गया लेकिन उनको भगा दिया गया और वो लगातार रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है कि ये भ्रष्टाचार शुरू ही राजनीतिक दलों से होता है या सत्ताधारी दलों से होता है और वहां से होते हुए ये नीचे की ओर आता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात रखी। वही मैं कह रही हूँ, उन्नाव में देखिए लड़की कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ठीक बात है, आपने नैतिक भ्रष्टाचार की भी आप बात करी, ठीक बात है आपकी। भाई देखिए, जो उन्नाव में बलात्कार हुआ वो पीड़िता बार बार कह रही थी कि विधायक ने बलात्कार किया, इसका मतलब विधायक जो है राजनीतिक रूप से मजबूत था, वो राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा था इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी। ठीक बात है आपकी। पूजा शुक्ला जी, आपने बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया है यहाँ पर कि शुरू तो वहां से होता है जहाँ से सत्ता है, उस कुर्सी से शुरू होते हुए ब्यूरोक्रेट से होते हुए नीचे स्तर तक आता है, इसलिए भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है। अगर इसको वहीं पर ही खत्म कर दिया जाए तो नीचे स्तर तक भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, योगेश जुड़े हैं बरेली से। जी योगेश, अपनी बात रखिए आप। जी हाँ, मैं बरेली तहसील फरीदपुर ग्राम नगरीय अपराध बोल रहा हूँ जी। हेलो, हाँ आपको सुन पा रहे हैं, बताए। आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी पहुंच रही, बिल्कुल साफ पहुंच रही। अच्छा, हमारी जमीन थी साहब वहाँ गांव में और हमारे फादर थे मिलिट्री में, आर्मी में 32 साल सर्विस की। हेलो, और उस बीच में वहाँ ग्राम प्रधानों ने वो जमीन सब उधर उधर कर दी बगैर रिकॉर्ड निकाले उसका, जो चकबंदी में सब जमीन जो है दूसरों के नाम कर दी और हमें जो है बेदखल कर दिया। जी बिल्कुल, आपके साथ भी इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, आपकी जमीन आपसे छीन ली। हमारे साथ श्रीधर पाठक जी, हमारे पास समय कम है, श्रीधर पाठक जी के पास चलते हैं। श्रीधर पाठक जी, लास्ट कमेंट कम शब्दों में आपका कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। जी जी, इसे दूर नहीं किया जा सकता, साफ सुथरी बातों में सुन लीजिए। जी तमाम एजेंसियां बनी है, जब सरकारें 20-20 साल तक सैंक्शन नहीं दे पा रही हैं मुकदमा चलाने के लिए, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? जब किसी को सजा ही नहीं मिलनी है तब तो मैं भ्रष्टाचार में करना ही क्या भाई, कुछ रेट और बढ़ा देंगे। ठीक बात है आपकी, आपका भी ये सरकार को करना है और सरकार को खुद सोचना है कि उसे क्या करना है। उसके पास कानूनी सहायकों की पूरी फौज है उनके पास, और जजेज की भी फौज है, जजेज की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन पिछले 40 सालों में अथवा पिछले 67 सालों में जब तक मैं होश संभालने लायक हुआ हूँ 50 सालों में, जी जी, मैं तो देख नहीं रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये खत्म अभी ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए और भी कठोर कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, जजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, कुछ और फोरम्स हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। सरकार के पास हालांकि पैसे की कमी रहती है। आप दोनों का शुक्रिया, पूजा शुक्ला जी आपका शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए, श्रीधर पाठक जी आपका भी शुक्रिया इस पर अपनी बात रखने के लिए, और जो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे उन्होंने अपनी जिन्होंने बात रखी आपका भी शुक्रिया, आपके कटु अनुभव भी अन्य दर्शकों ने सुने। सुबह बोलेगा में आप हमसे लगातार हर दिन जुड़ सकते हैं, हम ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं जो आपसे सीधा सरोकार रखते हैं। रिश्वतखोरी पर लगाम कैसे लगेगी, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार। श्रीधर पाठक जी ने एक बात बहुत ही गुस्से में कही है, वो उनका गुस्सा ही था, उन्होंने कम शब्दों में कहा लगाम अभी नहीं लग सकती, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन वो कब होगा? स्टार्टिंग से लेकर डाउन तक अगर बात की जाए हायरार्की ऑर्डर से ए बी सी डी तक, ए से खत्म होने के बाद बी और सी और डी, उसके बाद डी में भ्रष्टाचार खत्म होगा, डी से खत्म करेंगे तो सी में व्याप्त रहेगा, सी में खत्म करेंगे तो बी में व्याप्त रहेगा, इसी तरीके से ऊपर से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे तो नीचे तक खत्म हो जाएगा, तभी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। फिलहाल आज के मुद्दे यानी कि सूबा बोलेगा में इतना ही। देख रहे हैं